हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बैक टू बैक वीडियो है इसलिए इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का मैं नहीं लूँगी। तो जैसे कि आपने देखा कि माँ दुर्गा का श्रृंगार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दूसरा श्रृंगार अब हम कर रहे हैं राम दरबार का। तो माता सीता का श्रृंगार सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो इनको जो है मैंने वस्त्र इनके पहना दिए हैं। तो आइए इनका आगे का श्रृंगार अब हम करते हैं। इस तरीके से इनके जो है वस्त्र मैंने पहना दिए हैं। इनका लहंगा है इस तरीके से ड्रेप किया हुआ, सारी लुक में पीछे से इस तरीके से मैंने छोड़ा हुआ है। सो इस तरीके से सारी लुक में जो है मैंने इनका लहंगा ड्रेप किया हुआ है। अब करते हैं आगे का श्रृंगार। सो सबसे पहले मैं इनको कमरबंद पहना देती हूँ ताकि इनकी जो चुनरी है वो भी सेट हो जाए। तो ये जो साड़ी लुक है इसमें से हम निकाल लेंगे, नीचे से जो है मौली निकालेंगे कमरबंद की। आज मैं मंदिर में नहीं, बाहर के कमरे में बैठ के जो है भगवानों का श्रृंगार कर रही हूँ। दो रीजंस हैं इसके। एक तो ये है कि मेरे पैर में बहुत ही बुरी तरह जो है स्प्रेन हो गया है मेरा पैर, और मंदिर की सफाई चल रही है। इस तरीके से हमने पहना दिया इनका कमरबंद। एक यही कलर के वस्त्र हैं जो मेरे भगवानों के पास नहीं थे, और इन वस्त्रों के मैं बोल सकती हूँ आई सो डेडली वांटेड दिस कलर इन सभी भगवानों के लिए। सेकंड इनका मंगलसूत्र, वो पहना देते हैं। मंगलसूत्र को मैं पीछे से थोड़ा सा पीछे करके इस तरीके से पहनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा है ये। फिर आ जाती है बारी इनके लंबे हार की। तो इनका लंबा हार ये पहना देते हैं। ये हो गया इनका लंबा हार। अब मैं इनको पहना रही हूँ इनका चोखर। इस तरीके से है इनका चोखर नेकलेस। इयररिंग्स इन्होंने पहने हुए हैं। ये है इनका चोखर। नेक्स्ट इनके केश। ये थोड़े से मैं लेकर के पीछे इस तरीके से पिन कर रही हूँ। इस तरीके से पिन कर दिए पीछे से। अब इनका मांग टीका। इस तरीके से इनका मांग टीका आ गया। इनके कड़े, सो जिस तरीके से मेजरली होता है कि दिवाली है या कोई ऐसा पर्व है जिस पे लाल लाल से जो कपड़े हैं भगवानों को पहनाए जाते हैं, सो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मोनोटोनस जो होती हैं चीज़ें उस चीज़ों को डिच करते हुए हम लोगों ने इस बार पर्पल कलर में जो है भगवानों का श्रृंगार किया है, तैयार किया है। की भी चंद्रिका इस तरीके से।
और इनके हाथ में कमल, और ये इनकी एक चुनरी और है सर से उड़ाने के लिए। इसको मैंने थोड़ा सा मोड़ के सॉफ्ट कर लिया है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए पीछे यहाँ पर मैं पहना दूंगी। सो जी फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुआ हमारा माता सीता का दिवाली लुक। इनका श्रृंगार आपको कैसा लगा, या कोई कमी है या कोई चीज़ रह रही है जो पहनानी चाहिए मैं भूल रही हूँ, अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा। अगले वीडियो में श्री राम जी और लक्ष्मण जी के श्रृंगार के साथ जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।